वीडियो में हम वेब प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही वेब प्रोटोकॉल्स के टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे ये होता क्या है और इसका कहां पर और किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले वेब प्रोटोकॉल के बारे में जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वेब प्रोटोकॉल होता क्या है। वेब प्रोटोकॉल की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है, सम रूल्स आर मेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा ऑन कंप्यूटर नेटवर्क दैट द रूल्स एंड अ ग्रुप ऑफ रूल्स आर नॉन एज प्रोटोकॉल। जब आप अपने सिस्टम से किसी तरह का कोई भी नेटवर्क कनेक्ट करते हो और डेटा ट्रांसफर करते हो तो डेटा ट्रांसफर करते समय जिन नियमों का जिन रूल्स का पालन किया जाता है वो सभी रूल्स वेब प्रोटोकॉल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मतलब कि ऐसे रूल्स का ग्रुप जिसके द्वारा हम हमारे सिस्टम में नेटवर्क कनेक्ट करते हैं और डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं तो उन्हें बोला जाता है प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विल फॉलो द रूल्स डिफाइंड बाय प्रोटोकॉल। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं और डेटा को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिशन होता है जब डेटा का, तब जो रूल्स को फॉलो किया जाता है वह सभी रूल्स प्रोटोकॉल द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, मतलब निर्धारित किए जाते हैं। प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स विच इज डेवलप्ड फॉर द कनेक्शन एंड द डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना और डेटा ट्रांसमिशन करना, ये सभी कार्य प्रोटोकॉल के द्वारा किए जाते हैं। When any problem arises during the data transmission, it shows error. जो सबसे बड़ा मोटिव रहता है इसका प्रोटोकॉल्स का वो यही रहता है कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा डिवाइस के बीच में कनेक्शन क्रिएट करते हैं और डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या करता है, डेटा को आसानी से और अच्छी तरीके से ट्रांसफर करता है। और यदि कभी कोई डेटा ट्रांसफर करते समय परेशानी आती है या फिर प्रॉब्लम होती है या फिर डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाता है तो यह हमें क्या करता है, एरर मैसेज शो करता है। तो प्रोटोकॉल वो नियम होते हैं जिन निर्धारित किए जाते हैं जिसके बेस पर हम हमारे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और साथ में डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं। जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनके बेस पर डेटा ट्रांसफर होता है वे सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित मतलब डिफाइन किए जाते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अगले इसके टाइप के बारे में। इसका पहला टाइप होता है FTP विच मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल जो हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करने में हेल्प करता है उस प्रोटोकॉल को बोला जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP क्लाइंट इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर। FTP क्लाइंट ही एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करता है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइल बिटवीन द कंप्यूटर्स। जब हम दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स के बीच में फाइल ट्रांसफर करते हैं तब जिन नियमों का पालन किया जाता है वह सभी नियम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। द रूल्स अप्लाइड फॉर द ट्रांसफर ऑफ फाइल इज डिस्क्राइब्ड बाय FTP। जो रूल्स अप्लाई किए जाते हैं फाइल ट्रांसफर करते समय वह सभी FTP द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। फॉर डेवलपिंग वेबसाइट FTP इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। जब भी हमें कोई वेबसाइट डेवलप करनी है होती है तो उसके लिए FTP जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होता है। व्हेन वी डेवलप एनी वेबसाइट we have to upload file on internet, for uploading we can use FTP protocol. जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या किसी भी तरह के वेब पेज बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें कोई ना कोई इमेज या फिर कंटेंट अपलोड करना होता है। तो हम किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, तो हम उस अपलोडिंग के लिए FTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स के बीच में फाइल ट्रांसफर कर पाते हैं। तो FTP का एक ही काम होता है, दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स के बीच में फाइल को आसानी से अच्छी तरीके से ट्रांसफर करना, और साथ ही जब फाइल ट्रांसफर हो जाए तो हमारे पास कुछ ऐसा मैसेज आना जिसके द्वारा हमें ये पता चल पाए कि हाँ भाई फाइल ट्रांसफर हो गई है। और यदि फाइल ट्रांसफर नहीं हो पाए तो हमारे पास कुछ इस तरीके के एरर मैसेज आना जिसके द्वारा हमें ये बात पता चल सके। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के मध्य फाइल को ट्रांसफर करने का कार्य होता है। अगला हमारा प्रोटोकॉल है
TCP/IP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो इंटरनेट यूज करता है उसे बोला जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो प्रोटोकॉल है दो भागों में डिवाइडेड है। पहला प्रोटोकॉल होता है इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब कि आईपी। द प्रोटोकॉल हेल्प अस टू ट्रांसफर फाइल और मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ये प्रोटोकॉल एक जगह से दूसरी जगह पर फाइल ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करता है। एंड अदर प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल हैंडल्स द एड्रेस ऑफ द रिसीवर कंप्यूटर बाय व्हिच ईच पेकर ऑफ डेटा विल बी सेंट करेक्टली। कहने का मतलब ये है कि टीसीपी और आईपी ये दो प्रोटोकॉल मिलकर एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। टीसीपी क्या करता है हमारे मैसेज को लेता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पर उसे ट्रांसफर करता है। आईपी क्या करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वो क्या करता है वो रिसीवर के एड्रेस को हैंडल करता है जिससे कि जब हम कोई फाइल भेजते हैं तो वो रिसीवर तक आसानी से और सही जगह पर जाकर पहुंच पाए। TCP and IP works together in which TCP will divide our data, file information into small packets and send it to destination using internet. तो जब हम TCP और IP के द्वारा जब भी हम इंटरनेट के द्वारा किसी प्रकार की कोई फाइल को भेजते हैं तब TCP/IP क्या करता है TCP/IP उस फाइल को छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। इसके बाद वो उस डेस्टिनेशन पर उसको पहुंचाता है और आईपी क्या करता है उस डेस्टिनेशन को पकड़ के रखता है ताकि सभी के सभी पैकेट्स अपनी जगह पर आसानी से और जल्दी से पहुंच पाए। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वेब प्रोटोकॉल्स का। पहला होता है TCP जो कि क्या करता है हमारे डेटा को लेता है जो हम भेजना चाह रहे हैं उसे स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करता है और आईपी क्या करता है उस डेस्टिनेशन को हैंडल करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है उन सभी पैकेट्स को भेजता है और आईपी क्या करता है उन सभी पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाकर और एक फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की हेल्प से हम हमारी फाइल को बड़ी से बड़ी फाइल को आसानी से डेस्टिनेशन तक सही तरीके से पहुंचा सकते हैं क्योंकि यही एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे द्वारा भेजी गई फाइल को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनके बिना इंटरनेट आसानी से वर्क नहीं कर सकता। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसका वेब प्रोटोकॉल्स का। तो TCP/IP के बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि TCP/IP क्या करता है हमारे द्वारा भेजी गई फाइल को डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके। ये क्या करता है हमारी फाइल को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है और डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंचा